परदेश जाके नहीं आया मेरा साजना। वाह मास्टर, इधर बाजा भी समझ में आएगा। करुणा अवस्थी जी, जी, जी। हाथी वाले, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे गुड्डू भैया के लिए आया है। हृदय से धन्यवाद है दादा को, बहुत बहुत धन्यवाद। सही तरीके से बजाने पर आया है पैसा। छोटे भाई, तर्ज भी आपको अच्छी लगेगी, मर्ज उससे ज्यादा अच्छी लगेगी। और क्या, जय खाटू धाम पूर्वी माता सेवा समिति सुम्हारी खुर्द, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी समिति को कहना। क्या, अरे परदेश जाके नहीं भूला मेरा साजना, तो आज बहुत दिन, आज बहुत दिल, आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी, आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की, आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। आज बहुत दिन बाद आई है अरे चिट्ठी उस परदेसी, क्योंकि कहा गया है कि परदेसियों से परदेसियों को यूं तड़पाना नहीं अच्छा, अरे परदेसियों को ऐसे रुलाना नहीं अच्छा। प्यार करो तो अपने पड़ोसी से, प्यार करो तो अपने पड़ोसी से, इन परदेसियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। और ये इसी तर्ज को गाने पर बाबा विश्वनाथ स्वीट हाउस मंगतखेड़ा, आपकी ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है, कहना। क्या, तो आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की, आदरणीय दादा मदन मस्ताना जी निवेदन कर रही हूँ, आप स्वयं एक श्रेष्ठ कीर्तनकार हैं, मेरी पंक्ति सुनिएगा। भगवान राम ने कहा हनुमान, हनुमान तुम लंका गए, गए सीता की खबर लाए, और क्या, सीता के बारे में बता दिया, मगर ये बताओ कि वो लंका कैसी थी। ये बताओ, हाँ ये बताओ लंका कैसी थी। छोटे भाई, सीता की खबर नहीं, लंका कैसी थी, समझाओ। कहा हनुमान, ये बताओ कि आखिर वो लंका कैसी थी जहाँ वो रावण रहता है। जहाँ वो रावण रहता है वो लंका कैसी थी, वो रावण। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, कहा प्रभु सुनिए मैं बता रहा हूँ, और छोटे भाई मेरे गीत की एक एक लाइन आपको जवाब देगी, मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगी ना समझाऊंगी, एक एक लाइन बोलेगी, कहना। क्या, हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए, जब भगवान राम कहने लगे कि महावीर विक्रम बजरंगी लंका नगरी कैसी थी,
दादाजी निवेदन आप लोगों से कर रही हूँ कि महावीर विक्रम बजरंगी लंका नगरी कैसी थी। भगवान राम ने पूछा कैसी थी, तो हनुमान जवाब दे रहे हैं। सुनो रावण की लंका कैसी थी। मायावी की मायामयी, ओ भगवान प्रभु सुनिए प्रभु, मायावी की माया मई वो माया नगरी ऐसी थी। मायावी की माया मई वो माया नगरी ऐसी थी। मायावी की माया मई वो माया नगरी ऐसी थी। तो महावीर विक्रम बजरंगी लंका नगरी अब मैं गीत शुरू कर रही हूँ। दादा मस्ताना जी कैसी थी कि चारों ओर लंका के पाई अरे जाती चार दीवारे हैं, चार खाइया फुल है चार तो रहती चारों बहारे। एक एक पहले नोट कर लेना सब। चारों ओर लंका के पाई जाती चार दीवारे हैं, चारों दीवारों के पास चार खाइया हैं, जिसमें चार बहारे हमेशा रहती हैं। सुनो और कहाँ और सुनिए प्रभु। अरे चार प्रकार की है सेनाएं, दादा मस्ताना जी चार प्रकार की सेनाएं हैं। अरे चार प्रकार की है सेनाएं, चार द्वार अति प्यारे हैं, और चार महल सुंदर सोने के, चार दुर्ग भी प्यारे हैं। मैं बता रही हूँ कि नक्शा कैसा है। कैसा? अरे चार महल सुंदर सोने के, चार दुर्ग भी न्यारे, चार महल सुंदर सोने के, चार दुर्ग भी न्यारे हैं। तो प्रभु प्रभु अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु अरे चार प्रमुख सेनापति, ओ सुनिए लंका कैसी थी तारा मस्ताना जी के चार प्रमुख सेनापति लंका अरे इंद्रपुरी के जैसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। वाह इंद्रपुरी के जैसी थी वो लंका। अरे चार प्रमुख सेनापति लंका वो इंद्रपुरी के जैसी थी। तो मायावी की माया मई वो माया नगरी ऐसी। चार प्रमुख सेनापति हैं लंका के, जो चार द्वार पर पहरा लगाते हैं, चार दुर्ग हैं, चार खाइया हैं, चार ही दीवारे हैं और चार ही बहारे हैं। सचदेवा भैया और सुनो, हनुमान जी ने कहा इतना ही नहीं भगवान, और लंका सुनो कैसी है कि चारों कोनों पर लंका के चार ही ध्वज लहराए हैं।
लोग भी याद रखिएगा कि वो लंका कैसी थी, तभी जवाब समझ में आएगा कि चारों कोनों पर लंका के और चार ही ध्वज लहराए हैं और चारों ध्वज करते हैं रक्षा, रंग चार ही पाए हैं। चारों ध्वजों में चार रंग मिल रहे हैं और चारों में है चमत्कार, चारों महिमा दर्शाए हैं। चारों बारी बारी झुकते, लिख लो, चारों बारी बारी झुकते जैसी मुसीबत आए, एक बड़ी अनोखी बात है लंका के उन ध्वजों की, जैसी मुसीबत आती है उसी प्रकार वो झंडे झुक जाते हैं और क्या, मुसीबत को देखकर अपना रूप बनाते हैं, मुसीबत को देखकर वो झंडे अपना रूप बनाते हैं। तो लाइन कह रही है क्या दादा मस्ताना जी, कैसी थी लंका कैसे, अरे चारों ओर शिवलिंग वो ओ कहा प्रभु, अरे चारों ओर शिवलिंग वो लंका शिवपुरी के ऐसी थी। धन्यवाद है, क्या बात बेटे, शिवपुरी इंद्रपुरी के जैसी थी, चारों ओर लंका के शिवलिंग वो लंका शिवपुरी की जैसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है, चारों ओर समझते रहिए। अरे चारों ओर शिवलिंग वो लंका शिवपुरी के जैसी थी, तो मायावी की मायामयी वो माया नगरी ऐसी। छोटे भाई, मेरा मानना है कि आपको तो मेरा गीत बहुत पसंद आएगा। सांवरिया दादा, पहले सुन लीजिए आप मेरे गीत को। निवेदन आप लोगों से भी कर रही हूँ, मेरे जाने के बाद आप लाइन याद रखेंगे। और क्या, सुनिए अब वो लंका कैसी थी। कैसी कैसी बेटे गोपाल भैया, अरे चार हाथ लंबी वा चौड़ी, चार हाथ लंबी वा चौड़ी करती वो संचार मिली। और कि चार हाथ एक बार में बढ़ती, याद रखिएगा, अरे चार हाथ एक बार में बढ़ती ऐसी एक दीवार मिली। वाह बेटे, एक दीवार ऐसी जो चार हाथ बढ़ती रहती थी। ये विशेषता थी लंका की, लंका की विशेषता सुनिए। और प्रभु प्रभु, अरे चार बार मैंने की कोशिश, चार बार मैंने भी प्रयास किया, चार बार मैंने की कोशिश चारों बार ही हार मिली। क्या बात है, मैं खुद हार गया, मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ, तो चार मुखों वाले ब्रह्मा की, छोटे भाई, अरे चार मुखों वाले ब्रह्मा की महिमा उसे उपहार मिली। ऐसा आशीर्वाद था कि उस दीवार को मैं खुद पार नहीं कर पाया। तो प्रभु प्रभु, अब सुनिए लंका कैसे, के चार सभाएं देखी मैंने, ओ दादा मस्ताना जी, और निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से कि चार सभाएं देखी मैंने वो लंका ब्रह्मपुरी के जैसी थी, इंद्रपुरी के जैसी थी, शिवपुरी के जैसी थी, और जब मैंने सभाएं देखी तो चार सभाएं देखी मैंने वो लंका ब्रह्मपुरी के जैसी थी।
मायावी की माया मई वो माया नगरी है। बड़े परेशान हो गए, हनुमान की बातें रुक नहीं रही हैं। कहा प्रभु अभी बात तो पूरी हुई नहीं, अभी लंका है कैसी? और सुनिए सुनिए छोटे भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं इसमें समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि लंका थी कैसी। अब हनुमान जी ने कहा कि चारों ओर लंका के मंदिर, चारों ओर लंका के मंदिर, चार चार ही द्वार मिले। सुनिए लंका नगरी कैसी थी? कैसे कहा प्रभु? उस लंका के चारों ओर मंदिर थे और विशेषता है कि सबके चार चार ही द्वार हैं। तो चारों ओर लंका के मंदिर, चार चार ही द्वार मिले। और विशेषता देखिए, अरे चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता, चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता, करता मंत्र उच्चार मिले। उसी मंदिर में वो चार वेद छह शास्त्र का ज्ञाता पूजा पाठ किया करता रहता है, मंत्र उच्चार करता है। तो प्रभु छोटे भाई दारा मस्ताना जी और प्रधान जी सुन लीजिए, चार पंक्तियां मेरी भी सुन लीजिए। कहना क्या? अरे चारों दिशाएं देती पहरा, चारों दिशाएं देती पहरा, करती सदा उपचार मिले। और चारों गुड़ो राजा के मिले वो, समझना इस लाइन को, कि चारों गुड़ राजा के मिले वो, करता सदा संचार मिले। और प्रभु जब मैंने चक्कर लगाया तो देखा क्या? क्या? कि चारों ओर अमर सागर वो, चारों ओर अमर सागर वो लंका नगरी ऐसी थी, और चारों ओर अमर सागर वो लंका नगरी ऐसी थी। प्रभु मायावी की माया मई वो, क्या बात है, मायावी की माया मई वो माया नगरी है।
कह रहे बहनी बिटिया इनका डिब्बा दोनों दे दे। हम तो कह रहे डब्बा रख कर मिठाई हम लोग का दे दो, हम लोग तसल्ली कर ले। साल में एक दीवार तो आती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ना कहीं ना कि हम वहीं रहते हैं, लेकिन घर कभी कभी आते हैं। बढ़िया है आपका जवाब, बढ़िया है, बढ़िया और समय भी दे दिया गया है 35-30 मिनट, उसमें ही सारे कार्य करने हैं। लेकिन बस एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जोड़ी 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 मिलाई है जोड़ी सिया संग जोड़ी वो सुख धाम से। रोशनी बहन यहां प्रभु राम का सीता से पहली बार मिलन हो रहा है, पहली बार, पहली बार, पहली बार जब जन्म लेके आई है, पहली बार हो रहा है त्रेता में। उधर वो कपिराई, वो कपिराई ने मित्रता कराई पड़ेगी आराम से। सुग्रीव को मिलाया प्रभु राम से, पहली बार मिलन हो रहा है, पहली बार, पहली बार समझो। अब मिलाने वाले हनुमान जी हैं, फिर भी भीषण को मिलाया प्रभु राम से पहली बार, मिलाने वाले हनुमान जी हैं। तुलसीदास को मिलाया प्रभु राम से पहली बार, मिलाने वाले हनुमान जी हैं। बस बात पहली बार का है, बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार का माहौल ही कुछ होता है। अब तो आप बार बार मिलने लगी, पहली बार ये गुपा गुपा गु बोले, पहली बार का तो माहौल है कुछ होता है, अब तो बार बार मिल रही है। गुपक गुपक है, डुपक डुपक है। गुड्डू को गुस्सा अगर आ गया क्यों आ जाएगा, क्यों है, क्यों आ जाएगा, आखिर क्यों आए, क्या भाभी ने डांटा है, घर में लड़ाई हुई है, खाम विश्वास मानो। गुड्डू को अगर गुस्सा आ गया, अच्छा गुस्सा आ जाए तू बजाइए तो ढोलक का थरिया तो बजाइए ना, गुस्सा आ गया तो बजाइए तो ढोलक है, औका बजाइए सही, और नहीं का गाल बजाइए का पर बताओ औका बजाइए। विश्वास मानो इतने बढ़िया कर तुम सुंदर गाड़ में बजा रहा होती वारी फ्री का पैसा। जवाब आपका ठीक है के धरती से कभी पाताल सिधाए आई रावण नसाए दिखे तब खुशहाल से, तो श्री राम को मिलाया रवि के लाल से। रवि के लाल यानी सुग्रीव, साहु जी रवि के लाल यानी सुग्रीव, और रामा दल में सिर्फ सुग्रीव ही नहीं थे, उनके चलाए तीर को क्यों ना तू दिल में जगे, उनका निशाना भी अच्छा और निशानी भी अच्छी, बहुत दिनों के बाद आई है, बहुत दिनों के बाद आई है, बहुत दिनों के बाद आई है चिट्ठी उस पर, अरे बहुत दिनों के बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की, बहुत दिनों के बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की। रोशनी दी ये जो प्रसंग आप लाए हैं बहन जी, देखिए
दादाजी दे रहे ये प्रसंग आनंद रामायण सुन लो हम बता रहे ये शिवानंद जी ने आपको बताया नहीं वो गाना तो आपको दे दिया बिल्कुल आनंद रामायण सार खंड दसवां सर्ग पेज नंबर 129 ये जानकारी और का ये उसमें मिलेगा और का ये डुपा घू नहीं है और इसमें और भी चीजें हैं उस लंका में चार लंका और है चार लंका और है और वो चारों लंका चारों दिशाओं में है नोट कर लो बिटिया आगे काम आए पूरब में है लघु लंका जो नगर दे वो सब राक्षसी रूप में दे लंका पश्चिम में है परलंका दक्षिण में है बिलंका और उत्तर में है लंका ये इसको भी आप लिख लो मजबूत गाना आपका हो जाए बढ़िया हो जाए लेकिन संख्या आप लाई है तो सुनिए महावीर विप्रम बजरंगी लंका नगरी कैसी थी यहाँ तक तो गाना ठीक चला बढ़िया चला फिर चला चार द्वार है उसके यही थोड़ा हमको समस्या हुई गई शंका ये हो गई क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं पूरे रखवार देखी बहु 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 यानी बहुत सारे का पूरे रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार अब शंका यहां हो गई कि चार है कि बहु ये असंग सुने फिर आपका गाना चला शिवपुरी के जैसी थी ब्रह्मपुरी के जैसी थी इंद्रपुरी के जैसी थी फिर आपकी आखिरी लाइन आ गई आखिरी लाइन आ गई कि लंका नगरी ऐसी थी बस माहौल वही गड़बड़ हो गया बिल्कुल बिल्कुल एक पुरी आप और ढूंढ लाती तो गाना आपका मजबूत हो जाता अरे जिस लंका की आप पढ़ाई कर रहे हनुमान आखिर वहां का राजा कैसा था अगर जवाब अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा वहां का राजा कैसा था आपने उसके राज्य का तो वर्णन कर दिया लेकिन वहां का राजा कैसा था तो देखो देखो कहने लगे हनुमान जी महाराज क्या पल में पलवान पली चार पांच छह नहीं लाऊंगा बल में बलवान बली वो सहस्रानंद जैसा था वो सहस्रानंद जैसा था सुनो प्रभु लंका का राजा पीर दसानन ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद सुनो प्रभु लंका का राजा पीर दसानन अरे सुनो प्रभु लंका का राजा अरे पीर दसानन ऐसा था कैसा था कैसा दसो दिशाओं में था सानी कोई ना वैसा सानी था दसो दिशाओं में जिसका परचम लहराता था अरे दसो दिशाओं में था सानी कोई अरे कोई ना वैसा सानी था अरे दसो इंद्रिया बस में जिसके अरे दसो इंद्रिया बस में जिसमें बस में जिसके मुख पे तेज लासानी था दस दिग्पाल दस
दस दिगपाल लिखिए दस दिगपाल काल बच्चा कर पल का वो अभिमानी था अरे दसों विद्याओं का वो ज्ञाता दसों विद्याओं का ज्ञाता क्यों छह शास्त्र चार चार छह वेद अठारह पुराणों का ज्ञाता अठारह पुराणों का ज्ञाता और क्या हाँ हाँ चार वेद छह शास्त्र अरे दस दिगपाल चाकर काल पल का वो अभिमानी था दस विद्याओं का वो ज्ञाता ज्ञान में पंडित ज्ञानी था दस वाली संख्या आपकी छूटेगी नहीं तो कहने लगे लाइन कर रही है जानी पहचानी शक्ति जानी पहचानी शक्ति अरे पल में पंचानन जैसा था जानी पहचानी शक्ति पल में पंचानन जैसा था अरे जिसके आप परमात्मा यानी भोलेनाथ स्वयं पुजवाने चले आवे स्वयं पुजवाने चले आवे सुनो प्रभु लंका का राजा वीर दशानन और भी कहने लगे लाइन कह रही है क्या दस बार सर काट के उसने शिव शंकर को चढ़ाए थे प्रभु लंका में पहुंचा तो लोग चर्चा कर रहे थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे दस बार सर काट के उसने शिव शंकर को चढ़ाए थे दस सर तब तो शिव शंकर ने उसको भेंट में अरे दस सर तब तो शंकर जी से उसने भेंट में पाए थे और दस ही बुझाएं दाएं तरफ की अरे जिनसे देव घबराए थे अरे दस ही बुझाएं बाई तरफ दी वीर पार ना पाए थे दस इधर दस की बात चलेगी ज्ञानी ध्यानी वो पंडित बिल्कुल चतुरानन जैसा था जिस प्रकार चतुरानन ज्ञानी थे यानी ब्रह्मा जी वैसे ज्ञानी वो भी था ज्ञानी ध्यानी वो पंडित बिल्कुल चतुरानन जैसा था सुनो प्रभु लंका का राजा वीर दशानन ऐसा एक लाइन और सुन लीजिए दस सर उसके दशानन के प्रतीक दस वो न्यारे थे दस सर यानी दस प्रतीक काम क्रोध मोह लोभ भाद्रा मासर बुद्धि मानस चित्त अहंकार ये दसों सर प्रतीक थे महाराज पढ़ाई लिखाई का मजा है आपका गाना बहुत भारी था उसको हल्का किए दे रहा हूँ सुनना अरे दसों सर दशानन का दसो सर दशानन के अरे दस प्रतीक वो न्यारे थे और दस ही बल उसके संबल में दस ही बल अरे दस ही बल उसके संबल में एक रह गया प्यारे थे दस ही बल उसके संबल में थे
और आप पूछेंगे तो वो भी हम बताएंगे कि वो बल थे कौन। लैंड कह रही है, अरे ज्ञानी ध्यानी वो पंडित लैंड कह रही है, वो दसों सिरों वाला दसों सिरों वाला दसों सिरों तो सुनो प्रभु लंका का राजा वीर दशानन सुनो प्रभु लंका का राजा वीर दशानन ऐसा था अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए